कंस्ट्रक्टिव मतलब डीम्ड, और नोटिस का मतलब नॉलेज, डीम्ड नॉलेज किसका? ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जब कंपनी के साथ डील करने आ रहा है, कंपनी के साथ डील करने आ रहा है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये रीड कर चुका है MOA AOA पूरा, ये रीड कर चुका है MOA पूरा, और प्लस उसको समझ भी चुका है, अंडरस्टूड इट इन करेक्ट सेंस, बिल्कुल सही तरीके से इसको पढ़ के समझ भी चुका है। ठीक है, हम आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ाते वक्त भी बोला था कि MOA AOA का पूरा पता आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि ये प्रिजम्पशन है भाई, ये पहला ही प्रिजम्पशन है कि MOA जो है, MOA AOA जो होता है ना, ये कैसा डॉक्यूमेंट्स होता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब सार्वजनिक पब्लिक तौर पर अवेलेबल होता है। मैंने आपको बताया बीबी की वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कैसे डाउनलोड किया? एमसीए के वेबसाइट पे गया, कुछ एक फीस देना होता है और आप जो ये फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सार्वजनिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको। तो जब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो ये बिल्कुल रीजनेबल माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब कंपनी के साथ किसी भी तरह का डील कर रहा है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसने पढ़ लिया है, पढ़ के ये समझ भी लिया है इन द सेम सेंस। आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं हमको तो गलत समझ में आ गया, हम पढ़ा तो था, बराबर पढ़ा था MOA AOA, लेकिन हमको गलत समझ में आया, ठीक है, हमको ठीक से समझ में नहीं आया, ये नहीं बोल सकता। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल लिखूँ, मैं आपको एग्जाम्पल ये दिखाता हूँ, कोटला वेंकटेश स्वामी वर्सेस सी रामामूर्ति क्या बोलते हैं, देखो, द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड डीड्स ऑफ द कंपनी शैल बी साइंड बाई MD सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तीन लोगों का सिग्नेचर चाहिए, एक MD, दूसरा सेक्रेटरी, तीसरा वर्किंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कोई भी डॉक्यूमेंट में ये तीन लोगों का दस्तखत चाहिए होगा। अ मॉर्गेज डीड वॉज साइंड बाय द सेक्रेटरी एंड अ वर्किंग डायरेक्टर ओनली, लेकिन एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना जिसको सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर टू और थ्री साइन किया, यानी टू और थ्री साइन किया ओनली, या वन साइन नहीं किया, वन डिड नॉट साइन, वन डिड नॉट साइन, वन नंबर डिड नॉट साइन, यानी MD साइन नहीं किया। इट वॉज हेल्ड दैट मॉर्गेज डीड वॉज इनवैलिड, कि मॉर्गेज डेट का कोई वैलिडिटी नहीं होगा। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोल सकते हैं? क्या ये जो व्यक्ति है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो मॉर्गेज डीट का अदर पार्टी है, क्या वो बोल सकते हैं क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? हमको क्या मालूम, अरे क्या मालूम, क्या क्या मालूम, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, पहला बात ही बोला MOA को बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, MOA का बेसिक कंप्लायंस सारा होना चाहिए। जब जब इसमें लिखा हुआ है कि भाई तीन जन साइन करेगा, तो कहां का किधर था, किधर था तीनों का सिग्नेचर, कहां का डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? कोई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इट विल बी डीम कि मॉर्गेज डीड इनवैलिड था, इवन दो प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ मतलब जिसने कंप्लेन किया था, जो भी कंप्लेन करने वाला व्यक्ति था, यानी जो भी जिसको भी जिसके साथ भी धोखा हुआ था, वो हैड एक्टेड इन गुड फेथ एंड मनी वाज यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, चाहे फिर वो कंपनी के बिहाफ पे यूज किया गया था, कुछ भी हुआ था, लेकिन इसको वैलिड नहीं मानेगा, कोई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि MOA पढ़ा ही नहीं यार। MOA पढ़ो, पहले साफ साफ लिखा था MOA पे पढ़ो, उसका सारा रिक्वायरमेंट का कंप्लाई करो, फिर ही जाकर के आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा, वरना डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक हुई बात, तो अब ये देखो, द डॉक्ट्रिन ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ कंपनी, इट क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द कंपनी, इट ऑपरेट्स अगेंस्ट द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी। ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट थर्ड पार्टी के फेवर में काम करता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तुर्कंड के फेवर में काम करता है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में काम करता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, मैं अगर इसी के एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको तीन लोग साइन करेगा, एक MD, दूसरा सपोजिंगली सेक्रेटरी, और तीसरा अ डायरेक्टर ऑथोराइज्ड, अ डायरेक्टर ऑथोराइज्ड, तीन लोग साइन करेगा, ठीक है। मान लो मिस्टर एक्स कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर एक्स ये कौन है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, और ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सिचुएशन वन लो, सिचुएशन वन, जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक सेक्रेटरी साइन किया और दूसरा डायरेक्टर साइन किया, एक से डायरेक्टर D1 साइन किया,
डायरेक्टर ऑथोराइज, सपोजिंगली सपोजिंगली हमें बोलते हैं कि बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर डी टू को ऑथोराइज किया था, डी टू को ऑथोराइज किया था साइन करने। तो यहां पर आप मान लो कि सेक्रेटरी और डायरेक्टर डी टू साइन किया, ठीक है। सिचुएशन टू ले लो, यहां पर एमडी भी साइन किया, सेक्रेटरी भी साइन किया और डायरेक्टर साइन किया, लेकिन डी टू साइन नहीं किया, डी वन साइन किया, डी वन साइन किया। अब यहां पर मिस्टर एक्स क्या बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हम नहीं, कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भाई, आर्टिकल तो पढ़ ले, आर्टिकल में लिखा हुआ तीन लोग साइन करेगा, जब यहां पर तीन लोग साइन नहीं किया तो काहे का इंडोर मैनेजमेंट भाई, तेरे को आर्टिकल के बारे में नहीं पता, काहे का इंडोर मैनेजमेंट। नहीं, नो नॉट इन्फोर्सिएबल, यानी यहां पर अब बेनिफिट किसका, यहां पर बेनिफिट किसका हो रहा है दोस्तों, बेनिफिट किसका हो रहा है, कंपनी का हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। बेनिफिट किसका हो रहा है, कंपनी ना कर दे, नहीं प्रैंक कर दे तुम्हारे साथ, मजाक हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखो सिचुएशन टू में एमडी साइन किया, सेक्रेटरी साइन किया, डायरेक्टर साइन किया और अब मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, मिस्टर एक्स प्रिज्यूम्ड कि डी वन इज ऑथोराइज्ड, जबकि डी टू ऑथोराइज था, डायरेक्टर डी टू ऑथोराइज था, लेकिन मिस्टर एक्स क्या क्या प्रिज्यूम कर लिया कि भाई डी वन ऑथोराइज था। तो यहां पर अब किसके फेवर में काम करेगा, अब इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मिल जाएगा एंड अब ये किसका फेवर में काम करेगा, फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। तो हमेशा ध्यान रखना है इंडोर मैनेजमेंट का जो डॉक्ट्रिन होता है ये थर्ड पार्टी के फेवर में काम करता है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है ये हमेशा कंपनी के फेवर में काम करता है। यही बात मैं वापस आपको पढ़ाता हूं, देखो, दिस डॉक्ट्रिन ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ द कंपनी, इट क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द कंपनी, इट ऑपरेट्स अगेंस्ट द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी। यानी हमारे केस में मिस्टर एक्स जो था कंपनी के अगेंस्ट में डील कर रहा था, इसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है ना। एफेक्ट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन, वंस रजिस्टर्ड द एमओए एओए बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। हम बोला था एमसीए का वेबसाइट पे जाओ, कुछ नॉमिनल सा फीस दो, सब कंपनी का जो भी कंपनी दिल में आए उसका एमओए एओए मिल जाएगा आपको। Therefore, every person dealing with the company is presumed to have read the MOA AOA. Further, it is presumed that he has understood the provisions of MOA AOA correctly in the right sense. ये नहीं बोल सकता कि हम गलत समझ लिया था, हमको समझने में भूल हो गया, ठीक है ना, हमको समझने में भूल, ये नहीं बोल सकता। आपको ये बिल्कुल ये मान लिया जाएगा कि आप पढ़ा है और एकदम सही सही समझा है, कोई गलती नहीं हुआ है समझने में आपको, ठीक है ना। Therefore, it is required to of every person to appraise himself. Appraise himself मतलब have knowledge of. हर person को जो भी deal कर रहे company को उसको every person should have knowledge of the requirements of the MOA AOA. Every person dealing with the company should have the knowledge of the requirements of the MOA AOA before entering into a contract with the company. The doctrine prevents any person dealing with the company from alleging that he did not know the provisions. ये नहीं बोल सकता कि हमको AOA MOA के बारे में पता ही नहीं था। अरे पता ही नहीं था, क्या पता नहीं था, AOA MOA सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, इसको आप पढ़ो बिफोर डीलिंग विद द कंपनी। अगर आप इसका उल्लंघन करता है तो कुछ नहीं, कोई नहीं, ये कंपनी का बेनिफिट पे काम करेगा, आपका फेवर में काम नहीं करेगा। If person enters into a contract with the company in contravention of the provisions of the memorandum or article, he cannot enforce such a contract. तो क्या ये वाला सिचुएशन में क्या enforceable था ये contract? It was not enforceable. क्या Mr. X enforceable करा सकता है? Mr. X can't enforce this contract. ठीक है, इसे को हम कहते हैं, ये वाला हो गया हमारा doctrine of constructive notice. और ये वाला हो गया हमारा दोस्तों doctrine of indoor management. ये थर्ड पार्टी के फेवर पे काम करता है, ये कंपनी के बेनिफिट पे काम करता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब डीम्ड और नोटिस का मतलब होता है नॉलेज। आपको डीम्ड नॉलेज है, अगर आप किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे तो इट इज डीम्ड कि आपको नॉलेज है ऑफ एमओए एओए, और ना केवल आपको नॉलेज है मतलब आप उसको पढ़ा है, बट आप उसको सही सेंस में समझा भी है। पढ़ना और सही सेंस में समझना दोनों तरह का आपको है, ये हम लोग डीम कर लेते हैं, इसमें डीम कर लिया जाता है। तो दिस फिनिशेज अब आवर डॉक्ट्रिन। देखो डॉक्ट्रिन्स का ऐसा है कि डॉक्ट्रिन में जो क्वेश्चन है सब थ्योरिटिकल है, जितना हमने पढ़ा है उसी में से जो एग्जाम्स में भी पूछा गया, तो इसके क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ डॉक्ट्रिन्स भी हमारा होता है खत्म, और डॉक्ट्रिन्स खत्म होने के साथ साथ हमारा चैप्टर भी होता है खत्म। डॉक्ट्रिन्स का जो है बट आप बुक से पढ़ लो, बुक में मैंने बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दे दिया, इसका अलग से नोटिंग करने का जरूरत नहीं है। तो दिस फिनिशेज अप विद आवर चैप्टर नंबर 2, ठीक है।
इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें अपना, और जम करके पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।